स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लास 12th का सरफेस केमिस्ट्री का टाइप ऑफ कैटलिसिस। हमने पढ़ा कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन को फास्ट या स्लो करते हैं उसे कैटलिस्ट बोलेंगे। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट दो तरीके के होते हैं, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस कैटलिसिस। तो अब उसके बारे में पढ़ेंगे हम। देखिए, सबसे पहले होमोजेनियस कैटलिसिस। इफ द कैटलिस इज प्रेजेंट इन सेम फेज एज द रिएक्टेंट, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ये SO2 प्लस O2 जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे SO3। तो यहाँ पे देखो, SO2 जो है रिएक्टेंट है, O2 भी रिएक्टेंट है, और ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो ये जो है इसमें कैटलिस्ट, NO जो है वो गैस फेज में क्या है, कैटलिस्ट है। अब यहाँ देखो, रिएक्टेंट और जो कैटलिस्ट है सेम फेज में, गैस गैस गैस। तो अगर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फेज में हों तो उसे बोलेंगे होमोजेनियस कैटलिसिस। उस फिनोमेना को बोलेंगे होमोजेनियस कैटलिसिस, और उस रिएक्शन को बोलेंगे, मतलब उस कैटलिस्ट को बोलेंगे होमोजेनियस कैटलिस्ट। तो यहाँ पे देखो क्या किया हुआ है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है SO2 की, ऐड कर रहे हैं O2, इसमें ऐड कर रहे हैं NO की प्रेजेंस में, सेम फेज कैटलिस्ट के SO3 बन रहा है, तो इसे बोलेंगे, सारे गैसेस फेज में हैं तो हम इसे बोलेंगे होमोजेनियस कैटलिसिस। तो जैसे यहाँ पे देखो, CO में ऐड किया O2, यहाँ भी ऑक्सीडेशन हो रही है तो CO2 बना है। यहाँ पे भी देखो, सिमिलरली ऑक्सीडेशन ऑफ SO बाय O2 टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ NO एज कैटलिस्ट। तो यहाँ पे भी क्या होंगे, ये भी गैस फेज में होगा, तो ये को क्या होगा, होमोजेनियस कैटलिसिस। अब जैसे डिकम्पोजिशन हो रही है O3 की, तो ये तो गैस होती है, तो आप जो ले रहे हो NOCl, ये भी क्या करोगे, किस में लोगे, गैस फेज में, तो ये क्या बन जाएगा, होमोजेनियस कैटलिसिस। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड की आप कर रहे हो आयोडाइड की प्रेजेंस में, तो ये भी क्या हो जाएगी, होमोजेनियस कैटलिसिस। अब ये देखो, हमने लिया इथाइल एसीटेट, उसमें वाटर ऐड किया हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, जो एक्वस है, एक्वस में तो पानी में घुला हुआ, और ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। तो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फेज में हैं, सेम फेज मतलब हुआ सॉलिड लिक्विड गैस, तो हम बोलेंगे ये क्या है, होमोजेनियस कैटलिसिस। तो यहाँ पे देखिए, ये भी एक्वस लिक्विड, एक्वस, तो एक्वस हुआ जो लिक्विड में मिला हुआ हो, ये भी लिक्विड है, तो ये तीनों लिक्विड हैं, इसका मतलब ये कौन सी है, होमोजेनियस कैटलिसिस। यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं किसकी, डाइएथाइल ईथर की, किसे, इथाइल अल्कोहल से, तो ये लिक्विड फॉर्म में, कैटलिस्ट भी लिक्विड फॉर्म में, तो हम बोलेंगे ये होमोजेनियस कैटलिसिस है। अब थ्योरी ऑफ कैटलिसिस क्या है, इसकी हम पढ़ते हैं, होमोजेनियस कैटलिसिस की थ्योरी क्या है। अब इसमें क्या होगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन होगी अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यूअर्स। अब आजकल के जो व्यूज हैं वो उसके अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है, अ कैटलिस्ट एंटर इनटू केमिकल कॉम्बिनेशन। कैटलिस्ट क्या करता है, एंटर करता है केमिकल कॉम्बिनेशन में, कैटलिस्ट एंटर करता है रिएक्शन में विद वन और मोर द रिएक्टेंट फॉर्मिंग एन इंटरमीडिएट कंपाउंड, जिसमें क्या बनता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जिसमें कैटलिस्ट भी कंपाउंड के साथ अटैच होता है, जो बाद में अलग हो जाता है, विच देन कम डिकम्पोज, वो टूटता है और कंबाइन करता है वन ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करता है, तो टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, जिससे क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है और कैटलिस्ट निकल जाता है। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैटलिस्ट इन द रिएक्शन लोअर द फ्री एनर्जी ऑफ द एक्टिवेशन। इससे क्या होगा, कैटलिस्ट जब आप डालोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, उसको एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हैंस द स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो, O2 में NO ऐड किया है तो NO2 बना है, ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 टू SO3 इन प्रेजेंस ऑफ NO2 टेक प्लेसेस फॉलोज। इस तरीके से होता है ये, पहले O2 में NO मिलाएगा तो NO2 बनेगा, फिर SO2 में NO2 मिलाया हुआ है ये इसमें ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, SO3 प्लस NO। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या है, NO2, मतलब जिसके साथ कैटलिस्ट भी क्या होगा, कंबाइन करेगा। जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन आयंस, तो कैसे होगी, H2O2 में आयोडीन आयंस मिला है, वाटर बनेगा, हाइपो आयोडाइड आयन बनेगा। अब ये हाइपो आयोडाइड आयन जो है इसका कंबाइन करेगा H2O2, तो वाटर अलग, O2 अलग, आयोडाइड अलग, ये कैटलिस्ट अलग हो गया। तो यहाँ हाइपो आयोडाइड आयन क्या है, इंटरमीडिएट है। अब नेक्स्ट है हमारी हेटेरोजेनियस कैटलिसिस। हेटेरोजेनियस कैटलिसिस क्या हुआ, यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो रिएक्टेंट के फेज है, रिएक्टेंट के पार्टिकल की जो फेज है वो कैटलिस्ट के फेज का नहीं मिलेगी, तो हम बोलेंगे ये हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट है और ये हेटेरोजेनियस कैटलिसिस हो रही है। तो यहाँ पे देखो, द कैटलिस्ट इन द हेटेरोजेन कैटलिसिस इज जनरली सॉलिड। तो कैटलिस्ट जो होगा वो क्या होगा, इसमें सॉलिड होगा, एंड द रिएक्टेंट आर मोस्टली गैसेस, रिएक्टेंट जो होंगे वो मोस्टली गैसेस होते हैं, एंड समटाइम लिक्विड, कभी कभी लिक्विड होंगे। इन हेटेरोजेनियस कैटलिसिस, हेटेरोजेन कैटलिसिस में रिएक्शन स्टार्ट एट द सरफेस ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। रिएक्शन कहाँ स्टार्ट होती है, कैटलिस्ट, सॉलिड कैटलिस्ट के ऊपर, इसलिए हम इसको बोलते हैं सरफेस कैटलिसिस।
अब मैन्युफैक्चर होती है अमोनिया की, कैसे, इसको हैबर प्रोसेस बोलते हैं जब हम अमोनिया बनाते हैं, N2 गैस में लेते हैं, हाइड्रोजन भी गैस में लेते हैं, आयरन जो होगा वो सॉलिड में होगा जो हम इसमें कैटलिस्ट ऐड करते हैं, तो अमोनिया जो बनेगा वो गैस में बनेगा। तो यहाँ प्रोडक्ट का हमने देखना नहीं है, हमने रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का देखना है। अलग अलग फेज़ हैं हेटरोजेनस कैटलिसिस, जहाँ पे CO लिया हुआ है, हाइड्रोजन लिया हुआ है, तो कॉपर लिया हुआ है, ये सॉलिड में, ये दोनों गैस में, तो हेटरोजेनस कैटलिसिस। अब यहाँ पे SO2 लिया हुआ है, O2 लिया हुआ है, पैरेंडियम पेट्रोक्साइड लिया हुआ है, ये सॉलिड में है, ये गैस में है, हेटरोजेनस कैटलिसिस। तो इसको बोलेंगे हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस जब हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, तो ये है नाइट्रिक एसिड बना रहे हैं, तो इसमें हम बोलेंगे ऑस्टवोल्ट प्रोसेस जिसमें प्लैटिनियम लेते हैं। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, इसके थ्योरी ऑफ हेटरोजेनस कैटलिसिस थ्योरी क्या है इसकी, इसको एडसॉर्प्शन थ्योरी भी बोलते हैं, उसको हमने बोला था इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू ओल्ड एडसॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटरोजेनस कैटलिसिस, पुरानी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, इट वॉज बिलीव दैट, ये माना गया है कि दैट द रिएक्टेंट द गैसेस स्टेट, रिएक्टेंट जो गैसेस स्टेट में होते हैं और फ्रॉम द सोल्यूशन या सोल्यूशन में या एडसॉर्ब जो होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, जो एडसॉर्ब हो जाते हैं कैटलिस्ट के ऊपर, एज रिजल्ट द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, इससे क्या होगा, कंसंट्रेशन जो होगी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की किस पे, ऑन द सरफेस पे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, हैंस द रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो बढ़ जाएगी। फर्दर एन एडसॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, हमें पता है एडसॉर्प्शन एक्सोथर्मिक है, मतलब इसमें हीट इवॉल्व होती है, द हीट रिलीज फॉर द हेल्प टू स्पीड ऑफ द रिएक्शन, जो हीट रिलीज होगी वो क्या करेगी, रिएक्शन को फास्ट कर देगी। अनदर थ्योरी ऑफ हेटरोजेनस कैटलिसिस जो अलग दी हुई है, जो डिस्कस की हुई है चैप्टर 4 में, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी जो हमने पहले पढ़ा, दिस थ्योरी सजेस्ट एज द रिएक्टेंट, जैसे ये क्या बताती है कि रिएक्टेंट जो होते हैं जैसे ANB फर्स्ट कंबाइन विद कैटलिस, ये फर्स्टली कंबाइन करते हैं कैटलिस के साथ, क्या बनाते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं, जो डिकम्पोज होकर कैटलिस अलग हो जाता है और प्रोडक्ट बन जाता है। अब मॉडर्न एडसॉर्प्शन थ्योरी में क्या बोला गया है, मॉडर्न एडसॉर्प्शन थ्योरी में बोला गया कम्बिनेशन है किसकी, दोनों की थ्योरीज की जो हमने पढ़ी ऊपर, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी एंड सेकंड फर्स्ट जो पुरानी थ्योरी थी वो उसके अकॉर्डिंग, कि क्या होगा इसमें 5 स्टेप्स होंगे वो देखिए। पहले सबसे पहले क्या होगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कैटलिस्ट पे जाके लग जाएंगे, फिर एडसॉर्प्शन होगी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की किस पे, कैटलिस्ट पे, फिर वो बॉन्ड छोड़ेंगे काफ़ी खाली जगह वैसे अलग अलग जगह पे अटैच हो जाएंगे, फिर केमिकल रिएक्शन होगी रिएक्टेंट और कैटलिस्ट के बीच में इंटरमीडिएट बनेगा, फिर वो उसको क्या करेंगे, डिसॉर्प्शन होगी, डिसॉर्प्शन ऑफ द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल जो उससे अलग हो जाएगा किससे, कैटलिस्ट से, जिससे वो खाली जगह फिर से हो जाएंगी कैटलिस्ट पे, डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में अवे फ्रॉम सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, और जो प्रोडक्ट होगा वो अलग हो जाएगा कैटलिस्ट से, इस तरीके से कैटलिस्ट सरफेस देखिए कितनी सारी होगी, ये रिएक्टेंट आ गए इससे अटैच हो जाएंगे, अब जब रिएक्टेंट अटैच हो गए तो इंटरमीडिएट बन जाएगा, डिसॉर्प्शन होगी तो वो अलग हो जाएंगे, प्रोडक्ट बन के अलग हो जाएंगे। अब इसके एडवांटेज क्या है मॉडर्न एडसॉर्प्शन थ्योरी के, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैटलिस्ट इज सफिशिएंट, इसमें थोड़ा सा कैटलिस्ट भी बहुत ज़्यादा होगा, बिकॉज द कैटलिस्ट इज रीजनरेट अगेन अगेन, क्योंकि कैटलिस्ट बार बार यूज़ हो सकता है, द कैटलिस्ट टेक पार्ट इन द रिएक्शन बट इट इज प्रोड्यूस बैक अनचेंज, कैटलिस्ट रिएक्शन में यूज़ तो होगा बट इज प्रोड्यूस बैक अनचेंज इन मास एंड केमिकल कंपोजिशन एट द एंड ऑफ रिएक्शन, जो भी कैटलिस्ट यूज़ करोगे वो वैसा का वैसा ही आपको मिल जाएगा, कोई कंपोजिशन में चेंज नहीं आएगा, कोई मास में चेंज नहीं आएगा कैटलिस्ट के, कैटलिस्ट पॉइजन जो होंगे जो रिएक्शन को स्लो कर देते हैं कैटलिस्ट की, अगर वो प्रेजेंट होंगे द प्रोफेशनली एब्जॉर्ब्ड ऑन द कैटलिस्ट सरफेस, जो कैटलिस्ट पे जाके एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, वो किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल वहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं करने देंगे, हैंस दे स्लो डाउन द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, इससे क्या होगा कैटलिस्ट की एक्टिविटी स्लो हो जाएगी, और ये जो है ये हो गया सारा हमारा किस में, टाइप ऑफ कैटलिस्ट में।